चार साल पहले ANI ने एक 16 साल के बच्चे का इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि वो अपने एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी या फिर उसने ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल जीता था। ये इंटरव्यू इसलिए लिया गया था क्योंकि उस बच्ची ने संसार छोड़कर साध्वी का रूप धारण कर लिया था। जी, मेरी बहन ने ही मुझे कहा कि अब तू बहुत बड़ी हो गई है, गुन्नी जी महाराज के पास जाकर हम दोनों गुन्ना से कहते हैं कि तेरी अब दीक्षा करवा देते हैं। मेरा भी बहुत मन था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 16 साल की तान्या ने क्यों संसार छोड़कर साध्वी का रूप धारण कर लिया। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं कि 14 साल की बच्ची ने त्याग दिया संसार, रेप्यूटेड डॉक्टर ने छोड़ दी मुमाया, इतनी बड़ी बैंकर और ले लिया संन्यास। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढेंगे। यही नहीं, एक डायमंड मर्चेंट के घर पैदा हुई 8 साल की बच्ची ने संसार के सारे सुख छोड़ दिए। अब आप सोच के देखिए कि उस 8 साल की बच्ची ने कितना संसार देखा होगा। पर हमको 0% इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप मुझे अभी भी बोलो ना कि लगता है ये सब उतार दे और अभी दीक्षा ले ले, अभी भी मैं राजी राजी खुशी खुशी दीक्षा ले लूंगी, क्योंकि हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओनली एंड ओनली हमारे इंटरेस्ट किसमें है तो रजोहरण। पूरी दृष्टि और सृष्टि हमारी तो रजोहरण में ही बसी हुई है, पर आप लोगों की। इस बच्चे ने ऐसा क्या देख लिया कि इसे दीक्षा यानी संन्यास लेना है? ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों बच्चे हैं जिन्होंने संसार छोड़कर दीक्षा धारण कर ली। ऐसे केसेस ज्यादातर जैन समाज से ही आ रहे हैं। देखा जाए तो हमारे इंडिया में जैन समाज काफी रिच कम्युनिटी है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की मालकिन इंदु जैन, सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी हैं। इन सभी रिसर्च से एक बात तो साफ है कि इंडिया में रहने वाली जैन कम्युनिटी काफी अमीर है। फिर कैसे इस कम्युनिटी के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि PhD स्कॉलर्स तक साधु बन रहे हैं। आपने इस मुद्दे पर काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर इस प्रथा के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे एक लखपति का बेटा या बेटी ने संन्यास ले लिया। लेकिन इतने रिसर्चेस के बाद मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जहां पे इसके पीछे का कारण समझाया गया हो। काफी खोजबीन करने के बाद हमने हमारी इस रिसर्च को कुछ पॉइंट्स में समराइज किया है, जिसमें सबसे पहला है इन्फ्लुएंस। जिस 8 साल के बच्चे का जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, वो बच्ची 2 साल की उम्र से एक साधु के साथ पल रही थी। बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने आसपास की चीजों को देखकर ही इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने कुछ सोच समझकर ही बोलना चाहिए। बच्चे ही नहीं, हम जैसे लोग भी यदि किसी के इन्फ्लुएंस में ज्यादा दिन रहते हैं तो उसके जैसा ही बर्ताव करने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। इसके बाद दूसरा कारण है बिलीफ्स। इस प्रथा को मानने वाले ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम इस जन्म के लिए नहीं बल्कि अगले जन्म के लिए अपना जीवन संवार रहे हैं, यानी अगर वो इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो उसका फल उन्हें अगले जन्म में जरूर मिलेगा। ये मॉन्क्स रीइंकार्नेशन में भी विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि यदि इस जन्म में हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो हमें पुनर्जन्म अच्छा मिलेगा। तीसरा कारण है प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी ये मॉन्क बनने वाले बच्चे आधुनिक जीवन व्यापन को लेकर चिंतित हैं। आसान भाषा में आजकल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये बच्चे डर जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये दुनिया के कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, इसीलिए संन्यास ले लेते हैं। चौथा कारण है इंस्पिरेशन। जैन धर्म में ऐसे कई गुरु हैं जिन्होंने इस रास्ते को काफी अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया है। इन गुरुज से इंस्पायर होकर नौजवान भी कुछ ऐसा ही करने लग जाते हैं। मेरी रिसर्च के दौरान मैंने काफी सारी स्पीचेस सुनी और इन सभी स्पीचेस में एक बात कॉमन लगी, वो था इन गुरुओं के द्वारा बांटा गया ज्ञान। अब जब इतने कम उम्र के टैलेंटेड लोग संन्यास लेने लगेंगे तो उन्होंने देश के लिए क्या किया? इसके जवाब में एक सन्यासी ने कहा कि हम लाइफ ही ऐसी जीते हैं जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, और जब हमारा मन और दिमाग शांत नहीं है तो हम देश के लिए क्या ही कर पाएंगे। और देखा जाए तो ऐसे डिसीजंस लेना इनकी लाइफ चॉइसेस हैं जिन पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, बस अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अब आप इस प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब मिलेनियम टाइम्स।